हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बहुत ही इजी कार्ड बनाना बताऊंगी। ये जो कार्ड है ये ट्रिपल लेयर है तो बहुत ही प्यारा बनेगा। तो स्टार्टिंग मैंने एक चार्ट लिया था, उससे मैंने जो था फोल्ड कर लिया। ये देखिए, मैं अब आपको दिखाती हूँ। मैंने एक कार्ड लिया था, उससे मैंने चार्ट को इस तरह फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद मैंने उसका इस तरह माप लिया था, यहाँ पर इस तरह करने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह निशान लगा लिया था। निशान लगाने के बाद जो था मैंने उससे काट लिया था। मैंने जो है कटिंग का स्टार्ट ले लिया है, तो मैंने यहाँ से काट लिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा जो है मैंने काट दिया इसे। तो ये देखें, अब ये था जो मैंने थोड़ा सा सबसे बड़ा लिया था, ये मैंने उससे थोड़ा सा छोटा काट लिया था, और ये मैंने उससे भी छोटा काट लिया। अब मुझे इससे भी ज़्यादा छोटे की ज़रूरत है। तो अब इसके बाद मैं एक और लेयर काटूंगी, वो मैं लूँगी ब्राउन चार्ट की। तो ये मैं ये देखें, अब इसकी भी मैं लेयर जो है उसका माफ कर लूँगी कि कितना हमने काटना है इससे। तो ये मैं तकरीबन यहाँ तक ले रही हूँ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इनको साथ अटैच कर दिया है। सारी लेयर्स मैंने काट ली थी, तो अब ये यहाँ पर मैंने ग्लू लगा ली है। मैं इसे यहाँ पर साथ अटैच करूँगी। ये साथ जो है वो अटैच हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये सारी लेयर्स जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। ये लास्ट एक ये वाली रह गई, अब हम सबको साथ अटैच कर देंगे। व्यूवर्स, ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसे, ये बहुत प्यारा लग रहा है। बैक साइड भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको डेकोरेट करके बताऊंगी कि इसे अंदर से किस तरह डेकोरेट करना है। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर एक और कंप्यूटर शीट लिया, और इसे यहाँ पर इस तरह फोल्ड कर देंगे। बराबर फोल्ड करनी है हमने इसे। फोल्ड करने के बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह काट देंगे। तो काटने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे, अगेन फोल्ड। इसके बाद हमारे पास ये वाली शेप आ गई। अब ये इस तरह आपके पास सारी शेप्स आ जाएंगी, तो हमने इसे पकड़ना है और यहाँ पर भी बराबर इसे ले लेना है इस तरह। तो ये देखें, यहाँ पर सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसे कर देना है ऐसे। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी तरह काफ़ी ज़्यादा बना लेंगे और इसे इस तरह उठाएंगे ऐसे। व्यूवर्स, अब ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगी। व्यूवर्स, ये जो है मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये फर्स्ट लेवल हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन कंप्लीट करने से पहले मैं इसके ऊपर एक और शीट लगा देती हूँ। व्यूवर्स, मैंने इसे साथ अटैच कर दिया है इस शीट को, ये देखें। अब ये चिप के साथ बहुत ही प्यारा हो गया है, ये देखें। अब हम नेक्स्ट करेंगे कंप्लीट। व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का पेपर लगा दिया है ताकि यहाँ पर हम कुछ राइट कर सकें, और ये हमारा वो आर्ट जो मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक कागज़ लिया था, उसे मैंने पहले इस तरह फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद मैंने दोनों को बराबर रख के इस तरह कर लिया। फिर वो यहाँ पर भी निशान था, तो मैंने उसे बैक पे फोल्ड कर लिया, और इससे भी इसी तरह मैंने यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर लिया था इसी तरह मैंने ऐसे कर लिया। ये सारे इसी तरह के निशान थे, और मैंने फिर इसे ऐसे कर लिया। अब जो है हम इसे यहाँ पर इस तरह करेंगे, और इसे यहाँ पर इस तरह करेंगे। इस तरह करने के बाद जो ये वाली चीज़ है हम इसका यहाँ पर इतना हार्ट बना लेंगे।
सो व्यूअर्स, मैं अब इसे काटने लगी हूँ और काटने के बाद जो है वो बहुत ही प्यारा नज़र आएगा हमें। तो ये देखें, कटिंग जो है वो हमारी जारी है और ये जो हमारा हार्ट है वो तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह की शेप आ जाएगी। तो ये देखें, ये जो हमारा हार्ट है वो तैयार हो चुका है और ये छोटा सा कार्ड भी। कार्ड को हम यहाँ से इतना सा काट लेंगे, तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगी। जैसा कि आप देख रही हैं मेरा लग चुका है और मैं इसे अंदर से भी डेकोरेट कर दूँगी। सो व्यूअर्स, देख सकते हैं मैंने इसी तरह ये वाले जो हार्ट थे मैंने इसे काट लिया और काट के मैंने अगेन ऊपर लगा दिया। अब अंदर से भी मैं इसी तरह आपको कुछ करके दिखा सकती हूँ। सो व्यूअर्स, मैंने ना ये दो जो थे सर्कल काट लिए, एक ब्लैक और एक पिंक, तो मैंने ये डबल काट लिए थे तो मैंने इनको साथ अटैच कर दिया। और फिर उसके बाद जो थे मैंने यहाँ पर हार्ट बना लिए थे काफ़ी ज़्यादा। हार्ट जो थे वो मैंने ये वाली जो जगह थी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एल्फी लगाकर और साथ एक और ग्लू लगाने के बाद हार्ट जो था वो साथ अटैच कर दिया और ये इस तरह बन गया। ये जो है अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दे सकती हूँ, ये देखिए इस तरह बन गया। तो अब इसके बाद जो था ये वाली जो इसकी चीज़ थी उसके साथ मैं इसे अटैच कर दूँगी ताकि ये देखें जब हम इसे उठाएँ तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। तो अब मैं आपको लगा कर बताती हूँ। सो व्यूअर्स, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ कि ये मैंने यहाँ पर साथ अटैच किया हार्ट को और यहाँ पर अटैच किया। करने के बाद जब मैंने इसे खोला तो ये देखिए अब मैं इसे बंद करूँगी और आप देख सकते हैं फर्स जो है वो इस तरह है कुछ, ये देखें। और जो सेकंड है वो यहाँ पर है हमारे पास इस तरह है और जो थर्ड है वो इस तरह है। तो यकीनन आपको पसंद आया होगा, ये इस तरह बंद हो जाएगा और जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो ये देखिए। सो अब मैं आपको वोमन शीट के साथ इसे बाद में डेकोरेट करूँगी, पहले मैं आगे आपको बता दूँ। सो व्यूअर्स, मैंने एक और काट लिया, उसे मैंने ऐसे काट लिया लंबाई में और मैंने यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगा दूँगी और इसे साथ अटैच कर दिया और यहाँ पर भी मैं इसी तरह लगा दूँगी ग्लू। अब जो है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी और इस तरह। अब मैं इसे यहाँ पर साथ अटैच कर दूँगी। तो इसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ अटैच कर दिया है। अब इसके अंदर मैं कोई भी पर्चियाँ वगैरह डाल सकती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वो भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह ये डालकर कोई भी बेस्ट विशेज अपने फ्रेंड्स के लिए लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं आपको काफ़ी कुछ करके दिखा देती। और आप यहाँ पर बहुत कुछ डाल सकते हैं और यहाँ पर आप वोमन शीट के साथ लव कार्ड कर लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, जो है ये मैंने लव लिख दिया है, आपको प्यारा लग गया होगा। अब जो है वो अभी भी एक रह रहा है तो रह गया है। अब मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगी, यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं कुछ चार्ट लूँगी। सो व्यूअर्स, मैंने एक और शीट ली थी उसके ऊपर अटैच करने के लिए, तो उसके ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ। अभी मैं ये इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरह। ये जो है आप अटैच होगी। अब इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर एक हार्ट लगा दूँगी। हार्ट जो है वो मेरे पास पर्पल कलर का है इस तरह का, तो मैं इसे कहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगी। व्यूअर्स, आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने एक और ये वाला हार्ट काट लिया था तो मैंने साथ इसे भी अटैच कर दिया। अब ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद जो है मैं कुछ और आपको करके दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिखने के लिए जो है वो मैंने लाइनिंग लगा दी है। तो अब जो है मैं इस साइड को भी रेडी कर लेती हूँ। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हैप्पी लिख दिया है। सो व्यूअर्स, ये वाली साइड भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कंप्लीट चेक करवाऊँगी। सो व्यूअर्स, ये जो है कम्प्लीट हो चुका है, तो अब मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें,
सो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।